नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज है 26 फरवरी 2020 और आज के हमारे प्रश्न के निबंधों पर आधारित होंगे। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ के विषय में हम बात करने वाले हैं पहले प्रश्न में। वहीं जगन्ना वसाठी दीवेना योजना के बारे में हम लोग बात करेंगे दूसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न आधारित होगा लियो वराडकर के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे से संबंधित। जानेंगे कि किस देश के प्रधानमंत्री थे ये और इन्होंने इस्तीफा दिया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 की बात करने वाले हैं हम चौथे प्रश्न में। चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। तैराकी में सबसे तेज दिव्यांग लड़की के रूप में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली लड़की के बारे में बात करने वाले हैं हम छठे प्रश्न में। मेलानिया ट्रंप द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों का विशेष दौरा किया गया है, इसके विषय में हम बात करेंगे सातवें प्रश्न में। अशोक चटर्जी इनके बारे में जानेंगे आठवें प्रश्न में। वहीं नवा प्रश्न आधारित होगा नरेंद्र मोदी के सलाहकार की नियुक्ति से। एटीएम से नगद निकासी के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे दसवें प्रश्न में। तो सबसे पहले बात राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ की। हमारे पास प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई। हमारे पास ऑप्शन है 24 फरवरी, 23 फरवरी, 25 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 25 फरवरी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ 25 फरवरी को मनाई गई। इस युद्ध स्मारक का उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 40 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में चार वृत्त हैं, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। इसमें ग्रेनाइट पर सुनहरे शब्दों में 25,942 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना वसाठी दीवेना योजना प्रारंभ की है। हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने हेतु जगन्ना वसाठी दीवेना योजना प्रारंभ की है। इसके तहत छात्रों को न केवल पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी बल्कि उनकी कैंटीन और हॉस्टल के खर्च का भी भार सरकार द्वारा ही उठाया जाएगा। इस योजना में ITI, पॉलिटेक्निक और डिग्री स्तर पर पढ़ाई कर रहे छात्र शामिल होंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, लियो वराडकर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे पास ऑप्शन है पोलैंड, आयरलैंड, स्वीडन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, आयरलैंड। आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वराडकर, जिनकी पार्टी फाइन गेल है, ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। संसदीय मतदान में हारने के बाद उन्होंने यह इस्तीफा दिया। आयरलैंड की राजधानी की बात करें तो वह है डबलिन और इसकी मुद्रा की बात करें तो वहां की मुद्रा है यूरो। हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार को जीता है। हमारे पास ऑप्शन है आर्टिकल 15, अंधाधुंध, सुपर 30 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, सुपर 30। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 में सुपर 30 फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार को जीता है। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जो है ऋतिक रोशन को, सुपर 30 फिल्म एवं बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार वेब सीरीज काफिर के लिए दिया मिर्जा को दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से देश ने भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर उसका सही उत्तर है वो है ए, अमेरिका। अमेरिका ने भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर के बीच अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार चीन के साथ हुए लगभग $65 बिलियन की तुलना में लगभग $68 बिलियन रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खुले पानी में 14 किलोमीटर तैरने वाली सबसे तेज दिव्यांग लड़की के रूप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हमारे पास ऑप्शन है शिखा टंडन, जी आर राय, शिवानी कटियार,
और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है जीआर राय। 11 वर्षीय जीआर राय ने खुले पानी में 14 किलोमीटर तैरने वाली सबसे तेज दिव्यांग लड़की बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जीआर राय ने खुले पानी में 3 घंटे 27 मिनट 30 सेकंड में 14 किलोमीटर की दूरी तय की और इस रिकॉर्ड को कायम किया। जिया को लगभग 2 साल की छोटी सी उम्र से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और डिले इन स्पीच की समस्या है। हमारे पास अगला प्रश्न है, मेलानिया ट्रंप द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया। हमारे पास ऑप्शन है लाफिंग क्लासेस, हैप्पीनेस क्लासेस, जोवियल क्लासेस और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, हैप्पीनेस क्लासेस। मेलानिया ट्रंप द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लासेज शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया गया। वे दक्षिण दिल्ली स्थित नानकपुरा के एक स्कूल में गईं, जहां उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की और स्कूल में पढ़ाए जाने वाले कैरिकुलम को समझा। इसके तहत नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को रोजाना पहला पीरियड यानी 40 मिनट तक हैप्पीनेस पर ध्यान दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अशोक चटर्जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे। हमारे पास ऑप्शन है कलाकार, खिलाड़ी, लेखक और इनमें से कोई नहीं। अशोक चटर्जी पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे। उन्होंने सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए कुल 30 मैच खेले हैं। इन्हें साल 2019 में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है अमरजीत सिन्हा, भास्कर खुलबे, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है सी, उपरोक्त दोनों। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों अमरजीत सिन्हा एवं भास्कर खुलबे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है। अमरजीत सिन्हा बिहार व भास्कर खुलबे पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी थे। इस सेगमेंट का हमारे पास अगला और 10वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एटीएम से नकद निकासी के मामले में भारत किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, चीन। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एटीएम से नकद निकासी के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में एटीएम से नकद निकासी में वृद्धि हुई है। तो ये थे हमारे आज के समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।